तो कैसे हो सभी लोग, मेरा और एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग जानते हो रैंक पुशिंग के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है स्क्वाड लेके पुश करना, बट सब लोगों के पास स्क्वाड नहीं होते। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है, मतलब आज का वीडियो सोलो पुश रिलेटेड वीडियो है। मैं एकदम फास्ट टू लास्ट, ठीक है, एकदम कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से शुरू करके एकदम मैच में बुइया करने तक क्या क्या करना होगा सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा, एकदम मैच खेल के दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखते रहना और चैनल को जो जो बंदा सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना किसी देर के आज का वीडियो शुरू किया जाए। तो भाई लोग पहले आते हैं कैरेक्टर कॉम्बिनेशन में, आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर लेके खेलना चाहिए। के, केली, पालोमा और मैगजिम लेना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के पास के नहीं है तो और भी इसके बदले और भी कुछ ले सकते हो, बट बाकी जो तीन कैरेक्टर है वो आप लोगों को गोल्ड से तो ऐसे आसानी से मिल जाते हैं। तो ये वाला कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो भाई लोग रैंक पुशिंग का नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, मतलब हम लोगों को बॉन फायर लेना है और स्कैनर लेना है। तो अभी चलो एकदम मैच में जाके डिटेल्स में बता देते हैं और भी क्या क्या करना है। तो भाई लोग अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है लैंडिंग, ठीक है, कहाँ पर हम लोगों को लैंडिंग करना है। तो भाई लोग और एक चीज़, ये वीडियो कोई प्रो प्लेयर के लिए नहीं है, ठीक है। तो भाई लोग लैंडिंग के लिए सबसे अच्छा जो जगह है, यहाँ पर दो सर्कल बना हुआ है, ठीक है, वो सर्कल का जो जगह है वहाँ पर आप लोग उतरोगे, मतलब पानी में एकदम जो जो जगह दो दिया हो, ठीक है, दो ही पानी में है, तो यहाँ पर आप लोग उतरोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। तो किस लिए फ़ायदा होगा वो आप लोगों को अभी मैच में पता चल जाएगा। तो चलो एकदम मैच खेल के अभी दिखाते हैं। और भाई लोग हम लोगों को पेट के जगह ले लेना है मिस्टर वेगर। तो भाई लोग अभी लैंडिंग के बारी आ गया है, यहाँ पर देखो मैंने बोला था शिपयार्ड के साइड जो पानी है वहाँ पर हम लोगों को लैंडिंग करना है, या नहीं तो यहाँ पर जो देख रहे हो ना, जो अभी जो ब्लू जोन है, ब्लू जोन के पास जो पानी है वहाँ पर हम लोगों को उतरना है, ठीक है। तो किस लिए इस साइड उतरना है तो मैच खेलते खेलते आप लोगों को बोल भी दूंगा, ठीक है। और एक चीज़ बोल देता हूँ, मतलब ऑब्जर्वेटरी एकेडमी और शिपयार्ड इस साइड बहुत लूट मिलता है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पर उतरे, ठीक है। मतलब अभी बोलोगे भाई पानी में उतरोगे भाई वहाँ पर लूट मिले या ना मिले क्या फ़ायदा, नहीं भाई थोड़ी देर वेट करो तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ बोल देता, बहुत सारा बंदे क्या करते हैं हिडन प्लेस वहाँ पर छुपे छुपे करते हो, बट उसमें क्या होता है लूट नहीं मिलता है, ठीक है। बट अभी जो ट्रिक दिखाऊंगा ना इसमें तुम लोगों को लूट भी मिलेगा, बहुत अच्छे से खेल भी पाओगे, फिर बुइया भी ज़रूर होगा और मतलब हीरो क्या ग्रैंड मास्टर भी जा पाओगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग उतर गया, पर शिपयार्ड के साइड आ गया, उस साइड नहीं गया क्योंकि वो साइड ब्लू जोन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदा वहाँ पर उतरेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ले लिया मिस्टर वेगर, इसलिए ज़्यादा दूर नहीं गया है, तो मेरे को जल्दी से जल्दी और स्कैनर ले लेना है, ठीक है। स्कैनर से तुम लोगों को देखना है, मतलब तुम लोगों का भी कोई साथी है क्या, मतलब मेरा वीडियो देख के यहाँ पर कोई आया है क्या, ओनली तुम लोग ही क्या आए हो या और भी कोई आया है क्या। फिर हम लोगों को तैर के ज़्यादा से ज़्यादा दूर चले जाना है, तो कोई बंदा हम लोगों को नहीं एम कर पाए ऊपर से, तो उतना दूरी हम लोगों को जाना है। फिर हम लोगों को वेट करना है, मतलब एकदम फास्ट जोन पूरा क्लोज होने का वेट करना है, और यहाँ पर हम लोगों को रुक के तीन या चार ग्लोअल हम लोगों को जमा करना है, मतलब मिस्टर ओगर से तीन या चार ग्लोअल हम लोगों को जमा करना है। तो फिर क्या करना है, मतलब अभी फर्स्ट जोन जब आ जाएगा उसके बाद क्या करना है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर जैसे ही हम लोगों को फर्स्ट जोन दिखा देगा, मतलब कहाँ पर है फर्स्ट जोन वो दिखा देगा, फिर हम लोगों को क्या करना है वैसे मैप में क्लिक करके हम लोगों को देखना है हम लोग कहाँ से कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग, यहाँ पर जो ऑब्जर्वेटरी है आसपास जो है, फिर एकेडमी भी है, यहाँ पर शिपयार्ड भी है, तो यहाँ पर जितना भी जगह है ना हर जगह में ही हम लोगों को लॉन्च पैड देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग मतलब फर्स्ट जोन पूरा भी क्लोज हो जाएगा ना या सेकंड जोन भी क्लोज हो जाएगा ना, तो हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर लूट करके फिर मतलब जोन क्लोज भी हो जाएगा तो लॉन्च पैड से बहुत आसानी से जोन के अंदर घुस सकते हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेटरी में पहले मैं जाऊँगा, मतलब जब फर्स्ट जोन पूरा लगभग क्लोज हो जाएगा तब मैं ऑब्जर्वेटरी में जाऊँगा, बट जब जोन स्टार्ट हो जाएगा ना तब मैं थोड़ा थोड़ा करके पास आऊँगा, पानी से ऊपर उतरूँगा, फिर जब एकदम लगभग जोन क्लोज हो जाएगा फिर ऑब्जर्वेटरी में जाके वहाँ से लूट करके लॉन्च पैड पकड़ के चले जाऊँगा एकदम बीमा शक्ति में, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखो मेरा तीन ग्लोअल भी हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर और थोड़ा टाइम बाकी है, फिर जोन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो और एक ग्लोअल तो जमा नहीं कर सकता हूँ मैं, तो अभी मेरे को जाना होगा, ठीक है, वहाँ पर ऊपर वेट करूँगा, मतलब पार के आसपास मैं वेट करूँगा, जोन जब पूरा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तब मैं जाऊँगा ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। तो भाई लोग यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ देखो, के कैरेक्टर के लिए मेरा थोड़ा भी जोन में एसपी नहीं जा रहा है, क्योंकि के कैरेक्टर का जो ईपी है उसके लिए मेरा
जोन में मतलब मेरा एचपी नहीं जा रहा है। और भाई लोग इसलिए मैं बोला हूँ मतलब के कैरेक्टर लेने के लिए, तो के कैरेक्टर से तुम बहुत आसानी से ही फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन में भी तुम एक कैरेक्टर लेके सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग वेट करेंगे फर्स्ट जोन पूरा क्लोज हो, जब हो जाएगा मतलब लगभग क्लोज हो जाएगा तब हम लोग ऑब्जर्वेटरी में थोड़ा थोड़ा करके जाएंगे, देखेंगे कोई है नहीं है तो लूट करना स्टार्ट कर देंगे। पहले तो थोड़ा थोड़ा करके चेकिंग करना चाहिए ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरा जोन क्लोज हो रहा है, ठीक है, और थोड़ा ही बाकी है, ठीक है। फर्स्ट जोन क्लोज हो जाएगा अभी, ठीक है। मैं और भी लेट कर सकता था बट अभी चले जाता है, ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, बट फिर भी भाई आप लोग मतलब और भी थोड़ा इधर उधर करके देखना होता है, ठीक है, कहाँ पर एनिमी है या नहीं है, ठीक है। तो ओ भाई आई थिंक यहाँ पर एनिमी लूट करके गया है, ठीक है, मेरे को थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है, एनिमी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओके चलो, शॉर्ट रेंज का भी एक अच्छा गन मिल गया है, ठीक है। और देखो अभी 26 एनिमी हो गया है, ओनली फर्स्ट जोन क्लोज हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर अच्छे से, ओ भाई ये कहाँ से आ गया भाई, ओके चलो ये तो ऐसे ही खड़ा हुआ है। तो चलो और भी एक अच्छा चीज़ हुआ, वो बंदा आई थिंक यहाँ पर ही था, ठीक है, सब कुछ लूट कर रहा था, ठीक है। चलो उसका हो अभी अभी मतलब जितना लूट किया सब मेरा हो गया अभी, ओके, किल बहुत अच्छा। बट हम लोग यहाँ पर मार भी सकते थे, मतलब वो हम लोगों को मार देता तो एकदम गजब हो जाता, ठीक है, बट हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अभी वीडियो बना रहा हो ना इसलिए ये बंदा आ गया जोन के अंदर, ठीक है। हमेशा तुम लोगों का टाइम ऐसा नहीं होगा जो जोन के अंदर तुम लोगों को बंदा मिलेगा, ठीक है, कभी कभी मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी तो क्लोज रेंज में हम लोगों को ये वाला मिल गया तो मैं इसको मार दिया, इसके साथ फाइट लग गया। बट भाई लोग जोन के अंदर तुम लोगों को कभी भी एनिमी मिले ना मतलब लॉन्ग रेंज में मिल गया ना तो कभी भी उसको फायर मत करो, ठीक है। बट वो एनिमी तुमको फाइट कर मतलब वो तुमको फायर कर रहा है तो तुम उसको रिप्लाई मत दो, मतलब लॉन्ग रेंज में, ठीक है, तुम कुछ भी करके उस वहाँ से भाग जाओ, ठीक है। बट यहाँ पर तो मेरे को क्लोज रेंज में मिल गया था, ठीक है, वहाँ से तो भागने का कोई सवाल ही नहीं आता है। और भाई लोग जोन के अंदर जो एनिमी तुमको मिलेगा ना, और एक चीज़ याद रखना भाई, वो बंदा भी पुश कर रहा है तुम्हारे जैसे, मतलब उसको भी प्लस करना है रैंक में, ठीक है। तो वो भी ध्यान रखेगा तो मतलब तुम्हारे हाथ वो ना मारे तो बहुत अच्छे से वो भी खेलना चाहेगा, ठीक है, मतलब कुछ भी करके वो भागेगा नहीं तो तुमको मार के जाएगा, ठीक है। तो इसके इससे अच्छा तुम भी भाग जाओ वो भी भाग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख के जोन के अंदर आप लोगों को लूट करना है, ठीक है। तो मेरे को अभी मिलने का मतलब एनिमी मिलने का सबसे बढ़िया जो कारण है वो है भाई मैं बहुत जल्दी जोन के अंदर घुस गया, तो आप लोग और थोड़ा लेट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट जोन क्लोज हो गया, सेकंड जोन भी अभी स्टार्ट हो जाएगा, मेरा एकदम बहुत लूट हो गया, ठीक है। आप लोग मतलब अभी ऑब्जर्वेटरी अभी बोलोगे भाई तुम तो उसको मार दिए इसलिए इतना लूट में मिला, ऐसा नहीं भाई, मतलब अभी मैं मतलब उसको नहीं भी मारता ना तो यहाँ पर बहुत लूट पा रहे अभी भी, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी में फिर वहाँ पर एकेडमी में भी फिर यहाँ पर जो शिपयार्ड है वहाँ पर ऑल टाइम बहुत लूट रहता है, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी और एकेडमी में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जा सकते हो वहाँ से, ठीक है। तो फिर यहाँ पर चलो अभी मेडकिट कर लेता है, देखो 13 मेडकिट हो गया अभी मेरा, ठीक है। मतलब वहाँ से तुमको कुछ भी करके ज़्यादा से ज़्यादा मेडकिट लेना है क्योंकि तुम तो जोन सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। तो अभी तो सेकंड जोन भी क्लोज हो गया, अभी 18 हो गया एनिमी और मेरा एक किल भी हो गया। तो मेरे को आना है पहले टॉप 10 में जाने के बाद मेरे को कुछ भी करके 3 किल करना है, ठीक है। 3 किल करने के बाद अभी मैं मार भी जाऊंगा ना तो मेरा फुल प्लस हो जाएगा, ठीक है। बुया भी नहीं होगा ना तो फिर भी मेरा मतलब मेरा जितना प्लस होगा ना वो बुया वाले को ही उतना भी प्लस मिलेगा, ठीक है। तो भाई लोग अभी तक जो कुछ हुआ और एक बार वो रिप्लाई कर रहा हो, ठीक है। तो कैरेक्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या लेना है आप लोगों को, कैरेक्टर लेना है आप लोगों को के कैरेक्टर, पालोमा कैरेक्टर, फिर मैगजीम और लेना है केली, ठीक है। तो केली से क्या होता है, केली से तुम बहुत जल्दी जोन के अंदर घुस सकते हो, पालोमा के लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट ले सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर मैगजीम से जल्दी मेडकिट कर सकते हो। और भाई लोग के कैरेक्टर है तो भाई फर्स्ट जोन और सेकंड जोन में भाई तुम्हारा कोई मेडकिट का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास के कैरेक्टर है तो, ठीक है। फिर हम लोगों को लेना है मिस्टर ओएगार, ठीक है, और लेना है बॉनफायर ले लेना है और स्कैनर ले लेना है, ठीक है। और लैंडिंग के लिए मैंने जो जगह दिखा है, ठीक है, वो शिपयार्ड और जो ऑब्जर्वेटरी के मिडल में जो पानी है वहाँ पर आप लोगों को उतरना है, ठीक है। वहाँ पर आप लोग कहाँ पर भी जा सकते हो जब जोन आ जाएगा, ठीक है, वो आप लोगों का मर्जी, ठीक है। तो जोन के अंदर आप लोगों को वहाँ से बहुत अच्छा लूट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बट कभी कभी एकदम लूट नहीं मिलेगा, फिर उस टाइम क्या करना है, मतलब तुम तो जोन के अंदर ऐसे ऐसे नहीं जा पाओगे, मेडकिट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों को बहुत
मतलब आप लोगों को साथ देगा क्या लॉन्च पैड, ठीक है। लॉन्च पैड से बहुत आसानी से आप लोग जोन के अंदर घुस सकते हो, क्योंकि भाई शिपयार्ड में भी लॉन्च पैड है, फिर तुम एकेडमी में भी तुम लोगों को मिल जाएगा, और मतलब और यहाँ पर नॉर्मल जो बारमूडा है वहाँ पर गैपयार्ड मतलब वहाँ पर भी आप लोगों को मिल जाएगा लॉन्च पैड। फिर आप लोगों को ऑब्जर्वेटरी में भी दो लॉन्च पैड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप लोग जोन में बहुत देर तक रहकर फिर वो लॉन्च पैड से बहुत आसानी से जोन के अंदर घुस सकते हो, ठीक है। तो भाई लोग फिर जब दो नंबर जोन क्लोज हो जाएगा ना, तब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके जोन के अंदर जाना है, ठीक है। जोन के अंदर जाने के बाद आप लोगों को फाइट नहीं लगना है, ठीक है। दूर रेंज मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दूर से जाना है, ठीक है। एकदम घर के आसपास नहीं जाना है, ठीक है। फिर देखना है कोई एनिमी है या नहीं है, फिर देखो जहाँ पर एनिमी नहीं है एक घर के अंदर चले जाओ, ठीक है। वेट करना है टॉप 10 में जाने के लिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी 1 किल हो गया है, मेरे को और 2 किल करना है, और अभी तक अभी भी बहुत सारे एनिमी बचे, मतलब 14 एनिमी बचे हैं, ठीक है। तो अभी मेरे को पहले टॉप 10 में जाना है, फिर और 2 किल करना है, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसा करना है, ठीक है। मतलब पहले टॉप 10 कन्फर्म करो, मतलब टॉप 10 में जाओगे तो तुमको माइनस नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा भी हो प्लस होगा, ठीक है। मतलब तुम वहाँ पर गलती से भी मार भी जाओगे ना तो तुम्हारा ज़रूर प्लस होगा, ठीक है। तो टॉप 10 में जाने के बाद तुम किल करो, ठीक है। फिर तुम्हारा बुइया भी नहीं हुआ ना तो तुम्हारा फुल प्लस मिल जाएगा, ठीक है। तुमको 3 किल करना है कुछ भी करके टॉप 10 में जाके, अभी 3 किल करना है, ठीक है। और एक चीज़ भाई, रैंक पुशिंग में मतलब सोलो रैंक पुशिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, मतलब गलती से भी भाई कोई एनिमी आके तुमको मार जाएगा तो भाई खत्म एकदम गया, ठीक है। बहुत बड़ा माइनस लग जाएगा, बट स्क्वाड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। थोड़ा मतलब थोड़े टाइम के लिए तुम्हारा ध्यान हट जाता है, और कोई एनिमी तुमको मार भी देगा ना तो तुम्हारा टीममेट तुम्हारा माइनस कवर कर सकता है, ठीक है। कभी कभी तो भाई बुइया भी हो जाता है, ठीक है। और अभी तो रिवाइव पॉइंट का भी ऑप्शन आया है, फिर बेंडिंग मशीन से भी रिवाइव दे सकते हैं, तो हो जाता है एकदम। कभी होता है 3 बंदा मार गया, फिर 1 बंदा आके फिर 3 बंदा कोई रिवाइव दे देता है, बट सोलो में तुमको कोई आके रिवाइव नहीं देगा, ठीक है। तुम्हारा एकदम माइनस होगा तो बहुत बड़ा माइनस लग जाएगा। और एक चीज़, जोन के अंदर आने के बाद आप लोग देखो मतलब एक घर में कितनी देर तक बैठा हो, क्योंकि भाई अभी भी मेरे को जोन मिल रहा है, तो क्यों भाई बाहर जाओ, ठीक है। यहाँ पर ही बैठ के इमोट मार रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी देर तक मेरे पास जोन है तो यहाँ पर ही रुकना है मेरे को कुछ भी करके, ठीक है। तो अभी देखो मेरा टॉप टेन से अभी टॉप 8 में मैं आ गया हूँ, ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ भी करके 2 किल करना होगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ MS बुइया हो, मैं वेट कर रहा हूँ कोई बंदा फाइट करेगा वहाँ पर मैं थर्ड पार्टी करूँ, मतलब जानबूझ के कोई एनिमी को तुमको ज़बरदस्ती नहीं मारना है, ठीक है। मतलब ऐसे तुम डायरेक्ट हेड मार पाओगे तो मार दो, ठीक है, बट ऐसे तुम्हारा प्लेस एनिमी को कोई एनिमी को मत बताना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेट कर रहा हूँ कब कोई फाइट लाएगा, वहाँ पर जाके थर्ड पार्टी करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं टॉप 8 में आ गया हूँ, ठीक है। तो माइनस तो नहीं होगा, तो 2 किल कर लूँगा तो एकदम फुल प्लस ही हो जाएगा। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ एकदम बुइया, देखता हूँ बुइया होता है या नहीं। तो यहाँ पर बैठ के अभी भी इमोटी मार रहा हूँ, कोई एनिमी नहीं है, कहाँ पर है कौन जानता भाई। तो यहाँ पर और थोड़ी देर वेट करूँगा। ओ भाई कहाँ से मार रहा है भाई। ओके चलो ग्लोबल बैठा दिया, आई डोंट नो कहाँ से मार रहा है, तो आई थिंक आसपास ही है, मेरे को स्कोप करके मार रहा है होगा। तो यहाँ पर मेरे को और थोड़ा ध्यान रखना है, अभी भी मारना नहीं है मेरे भाई, ये वीडियो बना रहा हो भाई मत मारना, ठीक है। मर जाओ ठीक है। तो अभी ओके, अभी भी मेरे को उसका प्लेस पता नहीं चल रहा है, मार का से रहा है भाई। तो चलो एकदम पूरा ग्लोबल बैठा दिया, चलो मेरे को तो लगा मारेगा भाई, ग्रेनेड नहीं मारा। ओके चलो ये बंदा का आई थिंक हेल्थ नहीं है, मेडिकेट मार रहा है, तो थोड़ा कम हेल्थ होगा तो जल्दी करके मारना है। ओके हेल्थ बहुत कम था, ऊपर से एनिमी मार रहा था, तो चलो ये बंदा ख़त्म। ओके और कोई कुक मार रहा है तो जल्दी यहाँ से भी भागना है, ठीक है। तो 2 किल ऐसे हो गया, M18 भी ले लेता हूँ मैं। तो अभी और कितने बंदे बचे, 5 बंदे बचे, और मेरा 2 किल हो गया, और 1 किल करना है कुछ भी करके, ठीक है। और मेरा फुल प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगा एकदम बुइया करने के लिए। तो यहाँ पर चलो एक साइलेंसर भी मिल गया, साइलेंसर लगा दे स्कार पे, और स्कार पे साइलेंसर जब लगता है और भी स्कार बहुत खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पर एक बंदा है, चलो देखते हैं यहाँ पर वो क्या मेरा ऊपर आके फाइट करेगा या मेरे को जाना होगा उसके पास। तो चलो ऊपर भी 2 बंदा है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि भाई पास जो बंदा है उसके पास वो मार भी सकते हैं मेरे को, तो मेरे को थोड़ा करके जाना है। तो चलो और भी एक एनिमी कम हो गया, और मेरे को चाहिए और 1 किल। चलो एक ग्रेनेड मार देता हूँ, यहाँ से बंदा जा रहा है। तो ये बंदा को ग्रेनेड से डैमेज नहीं मिला, तो अभी और 3 बंदा बचे, मेरे को कुछ भी करके मारना है, ठीक है। मतलब एलाइव 4 है, 3 बंदा बचे है। तो ओके टावर के पीछे भी एक है, ग्रेनेड मार रहा है, तो ग्लोबल के कवर में जाना है, वो भी बाहर नहीं हो रहा है।
देखते हैं टावर का पीछे बंदा को पहले मरना होगा, क्योंकि और एक जो बंदा है वो बहुत दूर है, ठीक है, तो उसको देखते नहीं लग रहा है। तो चलो ब्लू वॉल मार दिया, तो अभी एक ग्रेनेड मार दूंगा। चलो यहाँ पर एक ग्रेनेड मार दूंगा, वो वाला बंदा आ रहा है, वो टावर के पीछे जो बंदा है वो मतलब जोन क्लोज होते ही वहाँ पर एक ग्रेनेड मार दूंगा। चलो और भी थोड़ा पास चला गया, अभी एक ग्रेनेड मार देता हूँ, देखता हूँ वो मारता है या नहीं। चलो और चलो ओके, ग्लोन जोन क्लोज होना स्टार्ट कर दिया। चलो थोड़ा डैमेज मिल गया इसको, ओके ये बंदा ख़त्म। चलो तो और एक बंदा बचे है, इसको कुछ भी करके मारना है हम लोग को, बुया करना है। 3 किल तो हो गया, अभी गलती से मार भी जाऊंगा तो हम लोग को फुल प्लस हो जाएगा, तो नो टेंशन। और ग्लूवाल और 2 ग्लूवाल बचे हैं, तो चलो ओके, बॉडी में कनेक्ट नहीं हुआ एकदम। तो लास्ट और एक शॉट लगाना है, तो इस बार भी नहीं लगा, और एक शॉट लग जा भाई बंदा आई थिंक एलिमिनेट हो जाएगा, तो हो भी गया। तो 3 किल बुया ही हो गया, मैंने बोला था 3 किल बुया करने के लिए, तो 3 किल बुया ही हो गया। तो भाई लोग फर्स्ट टू लास्ट जो मैंने ट्रिक दिया वो ट्रिक यूज़ करके ज़रूर आप लोग भाई, आप लोग ओनली हीरोइक क्या भाई, हीरोइक से भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है भाई। तो इस बार भी पुश करूंगा, ठीक है। तो 2 सीजन आगे मैंने पुश किया, तो उस टाइम सोलो पुशिंग करके ग्रैंड मास्टर में गया था, तो वो वीडियो देखना चाहता तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वाला वीडियो देख सकते हो। तो मैं इस बार भी ट्राई करूंगा, देखते हो सोलो पुश करके ग्रैंड मास्टर में जा पाता हूँ या नहीं। बट आप लोग जानते हो बांग्लादेश में फ्री फायर बैन हो गया है, फिर भी खेल रहा हूँ बहुत तकलीफ से, तो देखता हूँ और कितने दिन रहता है। तो पुशिंग का आगे नहीं जाएगा, तो ज़रूर मैं ग्रैंड मास्टर जाने का ट्राई करूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही था, मिलेंगे आप लोगों से तो और एक नए वीडियो में, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो बाय बाय।